बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जानते हैं कि चिमटी एक नन्ना सा कीड़ा है, जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। बल्कि इस चिमटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई, यानी सूरह नमल। तो याद है कि नमल चिमटी को कहा जाता है। जिस घर में चिमटियाँ होती हैं, तो उस घर के लोग अमूमन उन चिमटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि घर से चिमटियों को भगाया जा सके। तो आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ, जिस घर से चिमटियाँ निकलना बंद नहीं होती। यह हकीकत जानने के बाद आपकी चिमटियों के साथ जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। यह हकीकत जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको उस घर की हकीकत भी बताती हूँ, जिस घर में चिमटियाँ निकलना बंद ना हो। लेकिन पहले आपको एक चिमटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक दिलचस्प वाक्या सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे, तो देखा कि एक चिमटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिस था, और ये उस खुराक को उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब देख रहे थे कि चिमटी चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार से चलते हुए दरिया के किनारे जा पहुंची। इस दौरान एक अजीब वाकया आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चिमटी दरिया के पास पहुंची, तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला, चिमटी उसके मुंह में चली गई और वो मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया, उसने फिर मुंह खोला और चिमटी उसके मुंह से बाहर आ गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो एक फर्क महसूस हुआ कि इससे पहले चिमटी जब मेंढक के मुंह में गई थी, तो उसके मुंह में दाना था, एक रिस था, जो अब उसके मुंह में नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चिरिन परिन सबसे बात किया करते थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने चिमटी को तलब किया और पूछा कि ये क्या मामला है, कि तुम क्या कर रही हो? अभी तो मुंह में दाना लेकर मेंढक के मुंह में गई थी, तुम कहाँ गई थी? तो ये चिमटी कहने लगी कि ए पैगंबरे खुदा, इस समुद्र की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर है, ये पत्थर अंदर से खाली है, इस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। तो अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मुकाम पर पैदा किया है कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता, वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने इस काम पर मुकर्रर किया है कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादर मुतलक ने इस मेंढक को मामूर किया है, मेंढक रोजाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ उस पत्थर के पास ले जाता है। वो मेंढक अपना मुंह पत्थर के सुराख पर रख देते हैं, मैं उसके मुंह से निकलकर कीड़े के पास चली जाती हूँ। वो अनाज जो मेरे मुंह में होते हैं, वो अनाज मैं उसके पास रख देती हूँ। ये मेंढक मेरा इंतजार करता रहता है, मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ। ये पानी में तैरते हुए मुझे वापस पानी से बाहर ले आते हैं। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि जब तुम उसके लिए खाना लेकर जाती हो, तो तब तुमने उसकी कभी कोई गुफ्तगू सुनी है? तो चिमटी कहने लगी, हाँ, जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ, तो हर रोज मैं उस कीड़े की गुफ्तगू सुनती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दराप्त किया और फरमाया कि उसकी गुफ्तगू क्या है, वो कीड़ा क्या कहता है? चिमटी बोली, वो कीड़ा कहता है कि ए वो जात जिसने समुंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं बुलाया, अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को भी मत भूलना। तो ये था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चिमटी का वाक्या। इसी तरह एक और चिमटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हम आपको एक और दिलचस्प वाक्या भी सुनाएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताती हूँ कि घर से चिमटियों का मुसलसल निकलना किस बात की तरफ इशारा है। तो गौर से सुन लीजिए कि अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चिमटियाँ निकलना बंद ना हो, तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिस्क की परवानी है। आप खुद ही सोच लीजिए कि हमारे घर में मौजूद चिमटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं। लेकिन अफसोस कि हम उनको भगाने के चक्कर में होते हैं, हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश कर रही होती हैं कि जिनसे चिमटियाँ खत्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए, अपने घरों से चिमटियों को मत निकालें, ये आपके घर के रिस्क की परवानी की वजह से है और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। तो इसलिए चाहे कि चिमटियों को खतरनाक तरह की अद्वियात के साथ कत्ल ना किया जाए, बल्कि ये तो आपकी रिस्क की परवानी की जानब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए और इनको मारना भी नहीं चाहिए। तो आपने घर में चिमटियों की मौजूदगी के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान। तो चलें अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का एक और चिमटी का वाक्या भी सुनाते हैं, कि जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है। रवायात में आते कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उन लश्करों को लेकर चले, एक जंगल पर उनका गुजर हुआ जहाँ चिमटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चिमटी ने दूसरी चिमटी से कहा कि जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रोन न डाले।
اور انہیں علم بھی نہ ہو، تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ اس چمٹی کا نام ہرمز تھا، یہ بنو شبان کے قبیلے سے تھی اور تھی بھی لنگڑی، خوف ہوا کہ کہیں روندی نہ جائے گی اور پس جائے گی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو تبسم بلکہ ہنسی آگی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر جو تو نے مجھ پر انعام کیے، مثلا پرندوں اور حیوانوں کی زبان سکھا دینا وغیرہ، نیز جو نعمتیں تو نے میرے والدین پر کی ہیں وہ مسلمان مومن ہوئے وغیرہ، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میری موت آ جائے تو مجھے اپنے نیک بندوں اور بلند رفقہ میں ملا دے جو تیرے دوست ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کی بات کو بھی سمجھ گئے اور بے اختیار ہنسی آ گئی۔ اللہ کو اس چمٹی کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی اور اس نے اپنے قبیلے کی باقی جو چمٹیاں تھیں ان کی فکر کی، لہٰذا اللہ رب العزت نے اس چمٹی کا تذکرہ اپنی مبارک کتاب قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، اور چمٹی کے نام کی پوری صورت قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ایک اور چمٹی کا تذکرہ بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام استسقاء کے لیے نکلے تو دیکھا کہ ایک چمٹی الٹی لیٹی ہوئی اپنے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کریے کہ اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ دعا اس چمٹی کی سن کر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، لوٹ چلو کسی اور کی دعا سے تم پانی پلائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتی ہیں اور اللہ کو پکارتی ہیں، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان غفلت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، جو سخت خسارے کی بات ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔